शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम कुछ भी कहो कलावती, मगर इंसान किस खानदान से है, उसकी रगों में किसका खून है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये सच है कि कमल कीचड़ में उगता है, मगर ये भी सच है कि कीचड़ में उगने वाली हर चीज कमल नहीं होती। वंडरफुल वंडरफुल, क्या पते की बात कही। ए वान दीपू, तू? हाँ जी, मैं जीते रहो। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले हुए, मिलने चला। So how are you, auntie? अच्छा किया, अच्छा किया। रामू आया मालिक। दीपक बाबू का सामान गेस्ट रूम में रखो। जीजा जी कैसे हैं रे? जीजा जी? Oh, you mean my daddy, your जीजा जी? Hey, one, he's first class. अच्छा कलावती, तुम दीपक से अपने मैके की कह सुन लो, मैं तब तक क्लब में एक बिलियर्ड की गेम खेल के आता हूँ। चाओ। तो वो नवाब कहाँ है? कौन नवाब? वो नवाब जिसने अमीना से शबनम को खरीदा था, वो नवाब जो शबनम को रेप करना चाहता था। एक नवाब को तो मैंने भी दो तीन बार शबनम के यहाँ देखा है। चलो आकाश, ढूंढे उसे, आज शाम तक आपको रिपोर्ट दे देंगे। उस्ताद जी, ये शबनम की जिंदगी का सवाल है। वो नवाब कहीं तो रहता होगा, कोई तो ठिकाना होगा। मुझे नहीं मालूम, मैं कभी गया नहीं उस नवाब थाने के साथ। हाँ, कल की रात अमीना भाई नवाब के यहाँ थी, ये मुझे खातून से मालूम हुआ। वापसी में शायद वो जुम्मन के टांगी में आई। वो जुम्मन टांगे वाला, मैं जानता हूँ उसे, चलो मेरे साथ। नवाब शौकत जंग आ रहे थे? वो तो सिंधा जी चला गया। अच्छा, उनके साथ एक और साहब रहते थे, क्या नाम है उनका? हाँ, वो चमचा प्यारी लाल। प्यारे लाल ऊपर है। ऊपर है? थैंक यू। कोई शोभत क्या है, ऐसे शो है जाएगा। बताओ निवास शोकन सिंह बहादुर कहाँ है? कौन निवास और क्या? कौन निवास? अरे अरे तुम जाओ, तुम जाओ। अरे बता कहाँ है निवास? ये है नवाब साहब की दाढ़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सस्पेक्ट हमारे ही घर में। दीपक साहब नवाब शौकत जंग है, मगर क्यों? प्यारे लाल ये कह रहा था कि जिस दिन शबनम गिरफ्तार हुई उस दिन नवाब साहब यानी दीपक ने खुशी का जश्न मनाया, अफसोस करने के बजाय नाच रहा था। He might have a motive for murder. Don't worry, now I'll find out. क्या है बेटे? माँ, ये दीपक कौन है? दीपक? ओ, दीपू? वो मेरी ममेरी बहन का लड़का है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी ममेरी बहन की ससुराल तुम्हारे घर के पास है ना? हाँ बिल्कुल पास, आधे कोस पर। अच्छा, क्या ये यहाँ पहली बार आया है? नहीं तो, पहले भी दो तीन बार आया था, मगर तू नहीं था घर पे। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ये कहीं नौकरी करता है? नहीं, मेरे जीजा जी तो बहुत पैसे वाले हैं, इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है। मगर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? ऐसे आकाश, तुम्हें फौरन अंबुर जाना होगा, क्योंकि ये दीपक यानी नवाब शौकत जंग मिसेस कलावती कैलाशनाथ यानी मेरी माँ का दूर का रिश्तेदार है। अभी तक इस केस में इस नवाब का अमीना के कत्ल से क्या ताल्लुक है कुछ पता नहीं चला, इसलिए तुम ऐसा करो कि फौरन रामपुर जाकर इस इंसान के बारे में पूरी मालूमात कर लो। अशोक, तुम कहो तो इसके साथ मैं चला जाऊं रामपुर? नहीं, तुम मेरे साथ रहो, अभी हमको बहुत काम करना है। Thank you.
शबनम, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं। आपके बिना कुछ पल ऐसे गुजरे हैं कि दिनों का हिसाब ही भूल गई हूं। मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करना, हम लोग तुम्हें इस खून के इल्जाम से जरूर बरी करा लेंगे। पहले ही क्या कम धब्बे थे दामन पर, जो एक और लग गया। जिसके स्पर्श से फूल खिलते हो, जिसे चूमने के लिए सूरज की किरणें बेकरार हो, तुम पवित्रता की मिसाल वो शबनम हो। तुम्हारे दामन पर धब्बे, कितनी खूबसूरत है आपकी नजर, जो सदा मुझे इसी रूप में देखती है, मगर दुनिया की नजर शबनम, इश्क की दुनिया होती है महबूब की एक नजर, और वो नजर जमाने भर के हुस्न से ज्यादा हसीन होती है। तुम्हें चाहने वाला, तुम्हें पूछने वाला जब तुम्हारा हो तो दुनिया की परवाह क्यों, जमाने का डर किस लिए। आकाश, तुम्हारी ट्रेन का वक्त हो रहा है। बहन, भाभी, भाभी, बहन, भाभी, बहन, सच कह रहा हूं माताजी, मुझ पर विश्वास कीजिए, दीपक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। वो मेरा दोस्त है, कि मदद करना चाहता हूं, मगर जब तक आप मुझे सब कुछ नहीं बताएंगी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अमीना बाई मर चुकी है और उसके खून का इल्जाम दीपक पर है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो हो सकता है उसे उम्र कैद हो जाए, फांसी हो जाए। नहीं तो मुझे सब कुछ बता दीजिए, क्यों अमीना को मारना चाहता था, क्यों वो कोठे पर भेस बदल कर गया था। तो सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, अगर दीपक को बचाना चाहती हैं तो सब कुछ बताना पड़ेगा। ये सब कुछ जानने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। मुझसे एक वादा करेंगे आप? क्या? किसी से कुछ मत कहिए, ना शोक से, ना अवतार भैया से। नहीं, ये कैसे हो सकता है, वो दोनों सब कुछ जानना चाहेंगे। कोई छोटी कहानी सुना दीजिए। नहीं शबनम, झूठ बोलने से तो अच्छा है कुछ ना बोलना, मगर तुम? मैंने सोच लिया मैं क्या कहूंगी। क्या? हेलो त्यागी यार, आज का अखबार देखा आपने? ये शबनम का कन्फेशन क्या स्टंट है? क्या चाहते हो, सरकारी वकील की हैसियत से जवाब दो या तुम्हारे बाप के दोस्त की हैसियत से? मेरा सवाल सरकारी वकील से है। तब तुम्हें कोई हक नहीं है स्टंट लफ्ज इस्तेमाल करने का।
देखिए मिस्टर त्यागी, मैं प्रोसिक्यूशन के सारे हथकंडों से वाकिफ हूं। मैं आपसे आई रिफ्यूज टू टेल यू एनीथिंग। इडियट, गोद लिया हुआ तो यह हाल है। जज कैलाशनाथ का अपना बेटा होता न जाने क्या करता है। बात बोलने के लिए बाकी क्या रह जाता है? बहुत कुछ रह जाता है। सिर्फ शबनम के कन्फेशन से ही केस खत्म नहीं हो जाता। प्रोसिक्यूशन को छटी का दूध ज्यादा जाएगा इस केस को प्रूफ करने के लिए। तुम मुझे बताओ तो सही, तुमने दीपक के बारे में क्या मालूम किया? बोलते क्यों नहीं? देखो आकाश, तुम्हारी खामोशी किसी की मौत बन सकती है। कुछ तो बोल मेरे यार, बोलता क्यों नहीं? देख अवतार, अगर मेरी खामोशी किसी की मौत है तो मेरा बोलना भी किसी की मौत है। और यह फैसला सिर्फ मुझे करना है कि कौन सी मौत। नहीं, इसका फैसला हम सब मिलकर करेंगे। मुझे बताओ तो सही, हर बात क्या है? नहीं बता सकता अशोक, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। इतना ही कहूंगा कि मेरे खामोश रहने से जिसकी मौत होगी उसके साथ सिर्फ मैं मरूंगा। अगर मेरे बोलने से जिसकी मौत होगी उसके साथ बहुत लोग मर जाएंगे। मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दो मेरे दोस्त। आकाश, तुम बोलो या खामोश रहो, सच सामने आकर ही रहेगा, चाहे दुनिया का हर इंसान मर जाए। चलो आदमी।